हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जो आपको चार टॉपिक्स अभी लास्ट वीडियोस में पढ़ाए, जैसे मैंने इसोफेगस की स्ट्रक्चर समझाई, स्टमक की स्ट्रक्चर समझाई, देन हम लोग दोनों इंटेस्टाइन की बात करें, जो बड़ी आंत थी और छोटी आंत थी। अब इन दोनों के टॉपिक समझाने के साथ साथ मैंने आपसे कुछ लेयर्स की बात की थी, तो आज हम लोग उसी टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो जिससे आपको क्या होगी कि वो जो मैंने लेयर्स बोली वो सारी की सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करें यहाँ पे जो चारों के चारों लेयर्स आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये चारों लेयर्स बनी दिख रही है, ठीक है। अब इसमें जो अंदर वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ब्लू वाला पोर्शन है वो ल्यूमेन वाला पोर्शन है। ये मैंने आपको इसोफेगस के डायग्राम के टाइम में मैंने आपको समझाया था, यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ल्यूमेन पोर्शन है। इसके जस्ट बाहर वाली साइड में लेयर रहेगी, वो रहेगी म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद में सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलर एंड देन सिरोसा, ठीक है। तो इस टाइप से जो चारों के चारों लेयर्स है जो उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो ये सारी की सारी लेयर्स की स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने सबसे अंदर वाली साइड में खाली जगह बनाई है, ठीक है, तो ये खाली जगह ये क्या कहला रही है, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मीन्स हो गया जो खाली कैविटी है जिसके अंदर से फूड है वो पास आउट हो रहा है। उसके बाद में जो मैंने ब्लू ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर बनाई है, तो जो ब्लू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली है वो है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर है उसमें सारे के सारे सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव, मतलब जो अवशोषित करने वाले हैं और जो पाचन करने वाले हैं या स्रावित करने वाले ग्लैंड्स और बहुत सारे फ्लोफोल्ड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देन हम थर्ड बात करें तो थर्ड है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के जस्ट आगे वाली लेयर। म्यूकोसा के बाद में हमारे पास में आती है यहाँ पे मस्कुलस लेयर, मस्कुलस लेयर या हम जिसको पेशी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो पेशी रहेगी यहाँ पे। मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मस्कुलर लेयर दो टाइप की है, एक तो सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग अनुदैर्ध्य कहेंगे और जो सर्कुलर रहेगी वो हमारी वर्तुल स्ट्रक्चर रहेगी। अब वर्तुल स्ट्रक्चर हमारी रहेगी अंदर की तरफ और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो रहेगी हमारी बाहर की तरफ। तो आप इस टाइप से ध्यान में रखिएगा, मस्कुलर लेयर है वो ऑलरेडी टू लेयर्स में डिवाइडेड है। मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगी तो उस टाइम आपको चारों के चारों स्ट्रक्चर है वो साथ में समझ में आ जाएगी। आप एक बार इसका सिर्फ नाम देखिए, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो होती है सिरोसा, ठीक है। तो हमारे मेजरली चार टाइप की लेयर्स रहेगी, सबसे पहले म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, और फिर यहाँ पे मस्कुलर, और फिर हमारे सिरोसा। अब हम बाहर वाली साइड से ही बात करें लेयर्स की, ठीक है। अब जितनी भी माथापोडी होती है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप मान लो कि 12th क्लास का बोर्ड आपको एग्जाम क्लियर करना ही है, उसके साथ में आप लोग नीट का एग्जाम पढ़ करने की कोशिश करते हो, तो हमारे जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, SMS, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लेयर्स याद करने का जो सिक्वेंस रहेगा वो याद रखना SMSM, ठीक है। एम का हो जाएगा मेडिकल, ठीक है, और SMS हमारे यहाँ कॉलेज का नाम हो गया। तो SMS का जो नाम हम लोग फुल फॉर्म में ले रहे हैं, तो S का मतलब होगा सबसे बाहर सिरोसा, फिर M का मतलब है मस्कुलर, फिर S का मतलब हो जाएगा हमारे वापस सब म्यूकोसा, फिर M का मतलब हो गया म्यूकोसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चारों के चारों सिक्वेंस याद करने हैं, इजीली याद करना चाहिए तो SMSM भी इजीली याद कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से ये चारों के चारों लेयर्स रहेगी जो ल्यूमेन पोर्शन को कवर किए हुए रखेगी। अब ये तो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसी कैसी कहाँ तक फैली हुई है, ये इसोफेगस से स्टार्ट होके रेक्टम तक इसी टाइप से फैली हुई रहेगी। बस म्यूकोसा का है तो म्यूकोसा है कहाँ पे कितनी पाई जा रही है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे ये बात किए कि ये सारी की सारी लेयर्स हो गई और ल्यूमेन पोर्शन हो गया। अब मैं जो चारों टॉपिक्स मैंने आज के दिन से पढ़ाए आपको, तो वो है सबसे फर्स्ट है इसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्यूडेनियम और देन जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो मोटा मोटी बात करें, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था, लास्ट वीडियो था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपसे बात की थी कि इसमें किसी भी टाइप का एंजाइम्स नहीं होते, इसमें किसी टाइप का सिक्रेटरी या एब्जॉर्प्शन ये नहीं पाया जाता। कहाँ तक पाया जाता है, सिर्फ हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो ये मैंने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग लिखे हैं, ये ड्यूडेनियम उसका जो फर्स्ट पोर्शन था, जेजुनम और इलियम उसके क्या थे, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन थे। स्टमक आपको ध्यान में ही, इसोफेगस वो आपके जर्सी का, ठीक है। तो इस टाइप से ये चारों के चारों मैंने लेयर्स लिखी है। अब इस
कौन सा लेयर होगी, उससे ऊपर लेयर कौन सी होगी, एंड देन सबसे लास्ट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो मैं यहाँ बात करूँ कि सबसे बाहर वाली साइड में आपको एक पर्पल लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब ये जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन मैंने आपको कम्प्लीटली यहाँ तक आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पर्पल लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि एक दो और तीन, मतलब स्टमक पोर्शन, ड्यूडेनियम पोर्शन एंड देन जेजुनम और इलियम, इन तीनों पोर्शन में जो लेयर पाई जाती है उसको बोला जाता है सीरोसा, ठीक है। उसको आपको ध्यान में रखना है कि उस पोर्शन को सीरोसा कहा जाता है। और जो यहाँ पे इसोफेगस में, तो मैंने आपको वहां पे भी आपको क्लियर किया था कि इसोफेगस में किसी टाइप की सीरोसा नहीं पाई जाती, सीरोसा की जगह क्या पाई जाएगी, ट्यूनिका एडवांसिया, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि सीरोसा की जगह ट्यूनिका एडवांसिया वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे मस्कुलस लेयर की। अब मसल्स है, मसल्स रेड कलर की होगी, तो यहाँ पर ये रेडिश कलर में आपको चोंग से कुछ डिजाइन बनी हुई दिखाई दे रही होगी। इन डिजाइन में मैंने एक तो लाइंस की है, एक सर्कल्स की है और एक मैंने यहाँ पे ये और लाइंस की है, ठीक है। तो इन तीनों को समझाने का मतलब मेरा यही है कि इन तीनों को कहा क्या जाएगा, मस्कुलस लेयर, पेशीय यहाँ परत कहा जाएगा। अब पेशीय परत में मैंने यहाँ पे जो आपको बात बताई थी कि सबसे बाहर वाले साइड में क्या पाई जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको अनुदैर्ध्य कहा जाता है, उसके अंदर वर्तुल पेशी पाई जाएगी जिसको हम लोग सर्कुलेटरी या सर्कुलर पेशी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे मैंने बाहर वाले साइड में लिखा है वो लॉन्गिट्यूडिनल, हिंदी में आप अनुदैर्ध्य ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में हम सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर को हम लोग बोलते हैं वर्तुल, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों लेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इन दोनों के साथ में ये ना आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्कुलस लेयर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ सबसे ज्यादा विस्तृत होती है, मतलब कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है और कहाँ सबसे कम पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एरिया वो कौन सा है, या स्टमक, और सबसे कम पाया जाने वाला एरिया है वो होगा हमारे रेक्टम, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड पाई जा रही है, इसको हम तिरछी पेशियां बोलते हैं, ऑब्लिक्यू मसल्स। तो इस टाइप से हमारी ये तीनों मसल्स होगी। अब इन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो इसको कंट्रोल करने का काम करेगा, जिसको हम ANS बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे ये दो प्लेक्सेस पाए जाएंगे, प्लेक्सेस में अमेथनस और ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो प्लेक्सेस है ये दोनों यही पे मसल्स के पास में पाए जाएंगे, उनको हम लोग इंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अब ये करेंगे क्या क्या, अब ये ऑर्बिट प्लेक्सेस है वो कहाँ पाया जा रहा है, इन दोनों मस्कुलर लेयर के बीच में पाया जा रहा है। और काम क्या है इसका, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब पेशियों को संकुचित करने का काम है वो किसका है, यहाँ इस प्लेक्सेस का है। उसके बाद में हम लोग मेसिनर प्लेक्सेस की बात करें तो इसका काम रहेगा कि जो भी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावण करने का, ग्लैंड सिक्रेशन का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इन दोनों का वर्क ध्यान में रखना है और इन दोनों की लोकेशन कहाँ है। ये सबमुकोसा वाले लेयर के साथ में पाई जा रही है, ठीक है, और ये दोनों मस्कुलर्स के बीच में पाई जा रही है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे जो थर्ड लेयर रहेगी हमारी, जो थर्ड लेयर थी वो थी सबमुकोसा। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ल्यूमेन की तरफ। तो जो सबमुकोसा लेयर है, लेयर्स में जितनी भी नर्व्स होती है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स वगैरह बोले कि नर्व्स इसमें पाई जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नर्व्स प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होंगे और ब्लड वेसल्स है वो सारी इसमें पाई जाएगी, यहाँ सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको जब ड्यूडेनियम की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो ड्यूडेनियम की स्ट्रक्चर में बताया था कि एक यहाँ पे स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि ये कौन सी ग्लैंड होगी, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है इजीली, ठीक है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, आएगी तो कहाँ से, हमारे यहाँ जो लेवर क्वीन की दरारें थी वहां से, ठीक है। लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्कूल कहाँ जाएगी, यहाँ, ठीक है, सब में कौन सा वाला पोर्शन में पाई जाएगी। और इसमें देखो आपको सेल्स और न्यूक्लियस में खूब सारे बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेल्स होती है वो कैसे होती है, मल्टी सेलुलर। और नॉन एंजाइमेटिक एल्कीन का सिक्रेशन करने का काम किसका होता है, हमारे यहाँ ब्रूनर्स ग्लैंड का होता है, जो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाते टाइम नोट्स में आपको कंप्लीटली लिखवाया था। यहाँ मैं सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे ये
अब ये मस्कुलरस म्यूकोसा, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो लेयर रहेगी वो रहेगी हमारे म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि म्यूकोसा के ही ऊपर जितने भी सिक्रेट करने वाले हैं, ठीक है, तो जितने भी सिक्रेटरी एंड ऑब्जर्वेटिव मतलब हमें अवशोषित करने वाले, स्त्रावित करने वाले और पाचित करने वाले जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी काम आ जाएगी यहीं पे पाई जाएगी, ठीक है। तो ये ओसोफेगस का पोर्शन है, तो ओसोफेगस में हमें पता है कि इसमें किसी टाइप का कोई भी डाइजेशन वगैरह नहीं पाया जाता, तो डाइजेशन वगैरह नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे इसको मैंने लेमिना प्रोपीडिया बोल के छोड़ दिया। फिर यहाँ स्टमक है, तो स्टमक में क्या बन जाते हैं, यहाँ फोल्ड्स बन जाते हैं। अब इन फोल्ड्स में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट रहेगी। फिर हम बात करें यहाँ पे कि इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में वो क्या होने लग जाती है, शूल लाइक मतलब कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्मेट होने लग जाती है, जिसको बाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जितनी ये शार्प रहेगी और जितना ये एरिया कवर करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि यदि ये लाइन में, ठीक है, ये जितने भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये मैं यदि सीधी बनाऊँ, तो हम सीधे का एक परिमाप करेंगे, मान लो कि 12 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन बना दी मैंने, ठीक है, एक स्केल जितना होता है उतनी मैंने सीधी लाइन खींच दी, और उसी के अलावा मैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सब की माप लूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, मतलब अवशोषित करने वाले सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, इन फोल्ड्स का होता है, ठीक है। तो ये आपको ये फोल्ड्स है वो ध्यान में रखना है। इन फोल्ड्स को कहा क्या जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको कहा क्या जाता है, विलाई, सूक्ष्मांगों या विलाई कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि विलाई के बीच बीच में कुछ दरारें बनी हुई है जिनको हम लिबरकुइन की दरारें बोल देते हैं, ठीक है, तो ये लिबरकुइन की दरारें होगी, क्रिप्स ऑफ लिबरकुइन। अब लिबरकुइन के जस्ट नीचे वाली साइड में सेल्स दिखाई देगी आपको, सेल्स बनी हुई है, इनको कहा जाता है पैनिथ सेल्स। पैनिथ सेल्स की भी थ्योरी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन वाले वीडियो में पढ़ा चुकी। अब पैनिथ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइमेटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर रहेंगे, जैसे ये यूनिसेलुलर रहेंगे, ये कैसी थी मल्टी सेलुलर और ये कैसी रहेगी यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ में ये एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस है एंजाइमेटिक उसका भी सिक्रेशन करेगी। उसी के साथ में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ ये लाइसोजाइम का भी सिक्रेशन कर रही है, लाइसोजाइम में वो एंटी बैक्टीरियल हो ही गया। उसके बाद में यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स और प्रेजेंट है, इनको क्या कहा जाता है, पेयर्स पेचेस कहा जाता है, और पेयर्स पेचेस का वर्क मैंने बताया था कि ये इम्यूनिटी डेवलप करता है, या जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोल रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं और ये कहाँ पे कौन सी लेयर पाई जाती है, तो उस लेयर्स की मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन कर दिया, जिससे आपको जो चार वीडियो में बोलते हुए आ रही थी कि भाई ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, ये यहाँ पाई जा रही है, यहाँ पाई जा रही है, तो यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि सिरोसा कहाँ प्रेजेंट है, ट्यूनिका एडवेंटिका कहाँ प्रेजेंट है, मस्कुलर स्लेव्स कहाँ कहाँ पाई जा रही है, कहाँ से ये मोटी है, कहाँ से ये पतली है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ्स, नर्व्स वगैरह कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, ब्रूनस ग्लैंड जो ड्यूडेनियम का हिस्सा था वो कहाँ पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे म्यूकोसा लेयर है उसमें विलाई वगैरह किस टाइप से प्रेजेंट है और कहाँ कितनी कैसे शार्प रहेगी। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या रहेगी, सबसे तीखी सबसे शार्प विलाई पाई जाएगी। बाकी आप इस टाइप से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।